राज्यपाल एवं कुलाधिपति कल्याण सिंह ने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांव मोहामी के ग्रामीणों से सीधे संवाद करते हुए गांव की शिक्षा, विकास, कृषि, पशुपालन, शराब सेवन, आपसी व्यवहार और सांप्रदायिक सद्भाव के हालात सहित लड़के लड़कियों की पढ़ाई की पूरी जानकारी ली। राज्यपाल ने अपने 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन मंगलवार को मोहामी ग्रामवासियों से बातचीत करते हुए कहा कि वे स्वयं गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने अपने पिताजी के साथ खेती भी की है। ग्रामीण युवक विक्रम सिंह ने राज्यपाल को बताया कि गांव में बिसलपुर पेयजल योजना की पाइपलाइन पहुंच चुकी है, परंतु घर घर में पानी के कनेक्शंस अभी तक नहीं दिए जा रहे हैं जिन्हें शुरू किया जाए। उन्होंने गांव के बीच में स्थित शराब के ठेके को ग्राम से बाहर भेजने का भी अनुरोध किया। ठेका हट जाने से अधिकांश झगड़े खत्म हो जाएंगे और गांव का वातावरण सुधरेगा। राज्यपाल ने मौके पर ही मौजूद जिला कलेक्टर डॉ. आरुषि मलिक से इस संबंध में कार्रवाई करने को कहा। जिला कलेक्टर ने भी तत्परता दिखाते हुए आबकारी विभाग के उपायुक्त से मोबाइल पर बात कर तत्काल कार्रवाई करने को कहा, जिस पर उपायुक्त ने इसी सप्ताह में कार्रवाई कर शराब का ठेका गांव के बाहर स्थापित करने का आश्वासन दिया। मोहामी गांव की ही एमए बीएड शिक्षा प्राप्त ज्योति रावत ने बालिका शिक्षा के विकास के लिए गांव में माध्यमिक स्कूल को उच्च माध्यमिक तक क्रमोन्नत करने और आवागमन के साधन चलाने का अनुरोध किया। गांव की ही अनपढ़ महिला मोती देवी ने भी गांव की समस्याओं का जिक्र किया। निकटवर्ती ग्राम कुचिल की स्कूली छात्रा तस्मिन ने कुचिल ग्राम की समस्या के बारे में बताया। बीरम सिंह और लाल सिंह रावत ने बताया कि मोहामी गांव सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण है। यहां होली दिवाली पर पूरा गांव एक हथाई पर एकत्रित होकर गांव के विकास पर चर्चा के साथ आपसी मनमुटाव को दूर करते हैं। राज्यपाल ने ग्रामीणों से अपने संवाद में कहा कि कोई भी ग्रामीण व्यक्ति अपनी समस्या लिखकर राजभवन भिजवा सकते हैं, उस पर शीघ्र कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों को सुझाव दिया कि वे हर 3 माह में निश्चित तारीख पर एकत्रित होकर गांव के विकास पर चर्चा करें और आपसी झगड़े और मनमुटाव को बातचीत के माध्यम से दूर करें। इससे 1 वर्ष में ही गांव में परिवर्तन आ जाएगा। आजाद हो गए 1947 में, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों का पिछड़ापन जितना दूर होना चाहिए था दूर नहीं हो सका है। यद्यपि सरकार तेजी के साथ काम कर रही है, लेकिन अभी भी समय लगेगा। देश है गांव का, गांव उठेगा तभी देश उठेगा, और गांव उठेगा तब जब गांव से बीमारियां उठ जाएंगी, गांव के लोगों की बुरी आदतें उठ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। हम एक दूसरे के सहयोगी बनकर काम करना सीख लेंगे, गांव का वायुमंडल बदलना शुरू हो जाएगा, बेटे और बेटियों की शिक्षा में किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी। तो मेरा विश्वास है आने वाले 15 वर्षों में देश का नक्शा बदल सकता है। गौरतलब है कि राज्यपाल कल्याण सिंह ने राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा था कि वे अपने सामाजिक सरोकारों का निर्वहन करते हुए अपने क्षेत्र का एक गांव गोद लेकर उसका सर्वांगीण विकास कराएं। इसी संदर्भ में राज्यपाल राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालय के होने वाले दीक्षांत समारोह के दूसरे दिन अधिकांश समय गोद लिए गए गांव में बिताते हैं और ग्रामीणों के बीच बिठाकर उनसे सीधी बातचीत करते हैं। ग्रामीणों से सीधे संवाद के इस मौके पर राज्यपाल के साथ प्रभारी मंत्री देवनानी, पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, जिला कलेक्टर डॉ. आरुषि मलिक, राज्यपाल के विशेषाधिकारी अजय पांडे, पंचायत समिति श्रीनगर की प्रधान सुनीता रावत, ग्राम पंचायत बुबानी की सरपंच आरती देवी और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोढ़ानी मौजूद थे। करते हम दिल से।
राज्यपाल कल्याण सिंह ने भुवानी ग्राम पंचायत के मोहामी ग्राम में आयोजित एक समारोह में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि के चेक वितरित किए। राज्यपाल ने मोहामी ग्राम की 20 महिलाओं को 2,40,000 रूपये के चेक प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए। इस राशि की सहायता से ग्रामीण अपने घरों में शौचालयों का निर्माण करा रहे हैं और खुले में शौच से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक परिवार को 12,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है। जिला कलेक्टर डॉ. आरुषि मलिक ने बताया कि मोहामी गांव में 282 शौचालयों के निर्माण का कार्य चल रहा है। इनमें 62 शौचालय बनकर तैयार हो चुके हैं। आगामी 31 दिसंबर 2015 तक अजमेर जिले को खुले में शौच से मुक्त कराने का संकल्प पूरा कर लेंगे।